जो है वो मैं कल थोड़े दिन पहले एक देख रहा था वो वीडियो, वो बेचारा मास्क बेचता है, मास्क जो मुंह पे पहनते हैं आजकल, ये जो मास्क यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये मास्क पहनते हैं वो, बेच रहा था वो लड़का आदमी ये वाले मास्क। और उससे पूछा, नौजवान आदमी था थोड़ा सा, पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो इस मास्क से। उसने कहा जी मैं पता नहीं, शायद मुश्किल से 400-500 रुपए रोज का कमा लेता हूँ। मेरी दो बेटियां हैं, एक मेरी बीवी है, मेरी बीवी को ब्लड प्रेशर रहता है और उसको शुगर भी है, और मैं खुद बीमार हूं, और मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने बच्चों का, बीवी का, बेटियों का पेट कैसे पालूं, उनके हाथ कैसे पीले करूंगा, और फिर मैं अपने इलाज मुआवजा कैसे कराऊंगा। ये बात करते करते उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसको कहे मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाऊं। ये एक शख्स की बात नहीं है, पर उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये हजारों लाखों पाकिस्तानियों का ये हाल है, करोड़ों करोड़ों पाकिस्तानियों का ये हाल है। और यहां आए दिन नए नए प्लॉट अपने लिए अलॉट कर लेते हैं। ये जमीन ये किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान की सरजमीन। ये अगर किसी की जागीर है तो आपकी है, 22 करोड़ अवाम की है, 22 करोड़ अवाम की जागीर है, ये किसी किसी की जागीर नहीं है। और कोई समझता है कि मैं इसके प्लॉट सारे अपने लिए हासिल कर लूं, तो भाई ये पाकिस्तान के अवाम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है,